स्वागत है आपका आज के वीडियो में जहाँ पे मेरे पास है आज दो अलग अलग कर्व के वेरिएंट कौन से वेरिएंट है क्या कुछ है आप हैरान हो जाओगे जब सुनोगे ना भाई लेफ्ट साइड में खड़ा है जो ग्रे वाला वेरिएंट है वो है प्योर प्लस एस पेट्रोल मैनुअल के अंदर है और इसकी बात करते हैं तो ये है क्रिएटिव पेट्रोल मैनुअल के अंदर सिर्फ क्रिएटिव वाला है और ये प्योर प्लस एस वेरिएंट है दोनों पेट्रोल मैनुअल के अंदर है आपने वीडियो हो सकता है देखी भी नहीं होगी यूट्यूब पे फाइनली कंपेरिजन इनका आ रहा है दोनों में प्राइस डिफरेंस कितना है फीचर्स में क्या कुछ अंतर मिलेगा सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट सबसे पहले मैं आपको जो है प्योर प्लस एस वेरिएंट की जो है चाबी दिखाता हूं ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लगे लो जी सबसे पहले तो प्योर एस प्लस वेरिएंट की चाबी देख लो ऐसी टिपिकल टाटा वाली चाबी देखने को देख मिलेगी जो कि आपने पहले भी देख रखी होगी टियागो वगैरह में भी आती है तीन बटंस मिल जाते हैं लॉक अनलॉक फॉलोमी का और फ्लिप की का जो है ऑप्शन मिलता है जो सेकेंडरी की है वो आपको नॉर्मल मिलती है और जैसे ही अब आप क्रिएटिव की चाबी देखोगे ना भाई लो जी जो सेम टॉप एंड में जो चाबी आती है ना वैसी कुछ चाबी मिलती है टाटा का लोगो मिल जाता है टोटल चार बटन्स हैं लॉक और अनलॉक फॉलोमी और बूट अनलॉक करना चाहते हो ये सारे ओवरऑल जो है आपको ऑप्शन मिलते हैं चाबी मैंने आपको दिखा दी इसके अंदर दोनों चाबी बिल्कुल सेम मिलती हैं अब आ जाती है मेन बात प्राइसिंग की क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है मैंने जैसे बताया था पेट्रोल मैनुअल दोनों के अंदर आपको देखने को मिलता है ये भी पेट्रोल मैनुअल है और ये भी पेट्रोल मैनुअल आज हमारे पास है अपने प्योर प्लस एस वेरियंट के एक्शोरूम प्राइस की बात करते हो तो ये वाला वेरियंट ग्यारह लाख सत्तर हजार एक्शोरूम कॉस्ट करता है और इसकी बात करते हो तो ये वाला वेरियंट आपको बारह लाख बीस हजार रुपए जो एक्शो रूम कॉस्ट करता है दोनों के अंदर सिर्फ पचास हजार रुपए का आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा अगर आप वैसे देखते हो एक्शोरूम प्राइस पे ऑन रोड में तो हो सकता है थोड़ा बहुत और पड़े बट एक्सोरूम प्राइस पे मोटा मोटा पचास हजार का फर्क है अब अब मेन बात आ जाती है कि पचास हजार आपको बचाने चाहिए या एक्स्ट्रा लगाने चाहिए अब देख लेते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे जो सस्ता वाला वेरिएंट है ग्यारह लाख सत्तर वाला जो कि फ्रंट लुक आप इसका देख लो ऐसा कुछ कंप्लीट लुक आपको देखने मिलता है अल्ट्रा वाइड में कर लेता हूं यहां पे सबसे पहले तो आप हेडलाइट देखो ऐसी कुछ रिफ्लेक्टर सेटअप वाली हेडलाइट है ऑटोमेटिक और, और साथ में एलईडी के अंदर आपको दिए गए हैं उसके अलावा डी आर एल सेटर्स आपको ऊपर की तरफ मिल जाते हैं कनेक्टेड लाइट नहीं मिलेगी फ्रंट वाली ग्रिल आप इसकी देख लो और नीचे वाले पोर्शन की बात करोगे तो पियानो ब्रेक के अंदर ही दिया गया है कोई फर्क नहीं है खराब हो जाए टो करना चाहते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है तो फ्रंट से अगर आप इसकी बात करते हो तो ये ओवरऑल सारी चीजें अब आ जाती है बात क्रिएटिव की तो क्रिएटिव का लुक देख लो डिफरेंस बताता हूं सबसे पहले हेडलाइट इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है बट जो लाइट है वो आपको प्रोजेक्टर के अंदर दी गई है बट सेम एलईडी के अंदर आपको मिलेगी बाकी सेम डीआरएस एंड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं फ्रंट में यहाँ पे भी आपको कोई भी कनेक्टेड डी वगैरह जो ऑप्शन है वो चीज नहीं मिलती है फ्रंट ग्रिल देख लो इसकी भी फ्रंट ग्रिल देख लो सेम है फ्रंट से सिर्फ हेडलाइट का फर्क है और कोई फर्क नहीं है यहाँ पे भी सेम टो करने का ऑप्शन दिया गया है तो पचास हजार अगर आप ज्यादा भी देते हो तो आपको इतना ज्यादा मेजर फर्क नहीं लगेगा अब फर्क कहाँ आ जाएगा आ जाओ मैं आपको इनके सबसे पहले दोनों के इस साइड लेके चल लेता हूँ देखो ये रैप जो हो रखा है ना अगर आप कलर की बात करते हो व्हाइट कलर के अंदर ये ये सिर्फ प्रोटेक्शन वगैरह है टाटा आप जो है ऑफर करने लग गया है देखो क्रिएटिव वेरियंट की तरफ जाते हो अगर आप पचास हजार रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके अंदर हाइपर स्टील व्हील्स देखने को मिलते हैं बात इसी की आई रही है तो सबसे पहले तो टाटा का आप लोगों देख सकते हो आगे डिस्क ब्रेक दे रखे हैं पीछे एक बार मैं आपको चेक करा दूंगा टायर जो चूज किए गए हैं ब्रिज स्टोन के ड्यूरस एचपी वाले एच एल वाले नहीं है स्पोर्ट सीरीज के जो प्रोफाइल है दो सौ पंद्रह साठ सत्रह का यहाँ पे जो है साइज दिया गया है अलॉएल आप देख के बताओ आपको कैसे लग रहे हैं बाकी जब बात आ जाती है अपने इस प्योर प्लस एस की तो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपने हाइपर स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है टाटा का आप लोग देख सकते हो सेम डिस्क ब्रेक आपको आगे की तरफ दे रखे हैं टायर वगैरह सेम अपने ड्यूरल एच वाले सॉरी यहाँ पे भी एच सीरीज वाले टायर है और जो उसका प्रोफाइल है वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ दो सौ पंद्रह साठ सेम साइज है बट फर्क इतना है कि यहाँ पे अलॉय है यहाँ पे आपको हाइपर स्टील व्हील यहाँ पे कर्व की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे भी आपको कर्व मिलेगा बट मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखा पाऊँ तो यार ये थोड़ा सा रैप वगैरह लग रखा है इसके लिए थोड़ा सा माफ कर देना बाकी देखो ये चीजें सेम है मैं ठीक है उसके अलावा इसके ओआर व्य देखो इसके ओ आर देखो देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे बट फर्क कितना है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन दिया गया है और एक बार इसको चेक करेंगे कि मैं इस पर थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ थोड़ा सा डाउट है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट तो आपको इसके भी अंदर मिलेंगे इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स यहाँ पर मिल जाते हैं ए प्लस और ए प्लस दोनों का सेम है सेम जो है सिंगल टोन वाले वेरियट है तो पिलर वगैरह जो ये सारी चीजें आपको बॉडी कलर दी गई है फर्क कहाँ आ जाता है फर्क मिलेगा आपको इसके अंदर सनरूफ का ऑप्शन अगर आप अपने प्योर प्लस एसवेरियन की तरफ जाते हो तो बट अगर आप क्रिएटिव की बात करते हो तो यहाँ पे कोई भी सनरूफ वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है और फ्रंट से दिखाता हूं देखो अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है और इसकी बात करते हो तो यहाँ पे कोई भी रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन जो है नहीं दिया गया इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट भी नहीं मिलती इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है तो फ्रंट में देखो इसमें एडवांटेज भी है, है ग्यारह लाख सत्तर का है और यह बारह लाख बीस हजार का है बट यहाँ पे अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं बट अगर आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर जा सकते हो उसके अलावा देखो एक और फर्क चाबी जो मैंने दिखाई थी वो तो था ही उसके साथ साथ जुड़ा हुआ ये चीज रुका सेंसर यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे कोई भी सेंसर नहीं है यहाँ पे ये डमी है यहाँ पे प्रॉपर लाइट मिलती है अगर आपको देखना है तो देखो अब आपको थोड़ा सा दिख जाएगा तो यहाँ पे लाइट मिलती है बट इसकी बात करते हो तो देखो जी यहाँ पे लाइट नहीं मिलती है देखो आपको प्रॉपर दिख रही होगी आई थिंक भाई यहाँ पे भी लाइट मिलती है ये थोड़ा सा धूप की वजह से दिक्कत हो रही है बाकी लोअर गार्जनि दोनों के अंदर आपको देखने मिल जाती है बी बीप्लोर वगैरह दोनों के सेम है रूफ रेल्स वगैरह चीजें आती नहीं है और यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर पेट्रोल वहां पे भी सेम जगह पे जो है ऑप्शन इस जगह पे दिया गया है ये ये चीज तो पेट्रोल वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी और रियर लुक की बात करते हो तो रियर लुक दोनों का देख लो कंप्लीट जो लुक है ना ओवरऑल सेम है बट उससे पहले एक चीज दिखाता देखो यहां पे भी आपको अगर आप क्रिएटिव की बात करते हो ड्रमविक्स का ऑप्शन मिलता है और अगर आप प्योर प्लस एस की बात करते हो तो यहां पे भी ड्रमविक्स का ऑप्शन ही दिया गया है बाकी अब जब बात पीछे की आई रही थी तो सबसे पहले तो लुक देख लो ऑलमोस्ट सेम लगती है कोई फर्क नहीं है सेम कैमरा सेम सारी चीजें बाकी इसकी विंडशील्ड की बात करोगे देखो डिफॉगर नहीं है शार्फिन एंटीना जरूर से मिल जाता है अपने प्योर प्लस एस के अंदर क्रिएटिव की बात करते हो यहाँ पे भैया डिफॉगर भी आपको मिलेगा सेम अपना जो है शार्फिन एंटीना यहाँ पे भी मिल जाता है बाकी कैमरा यहाँ पे देख लो कर्व की बड़ी सी बैजिंग है सेफ्टी के अंदर दो सेंसर दो रिफ्लेक्टर यहाँ पे भी वहां पे भी लोअर वाला पार्ट इसमें भी पियानो ब्लैक दिया गया इसके अंदर भी पियानो ब्लैक मिलता है अब बिना देरी करे बूट खोल लेते हैं कि बूट के अंदर तो कुछ फर्क है कि नहीं है यहाँ पे भी इसका बटन मिल जाता है इसको भी आप ऐसे जो है खोल सकते हो दोनों के अंदर हाइड्रोलिक स्टड का ऑप्शन मिलता है इलेक्ट्रॉनिक नहीं आने वाला है पांच लीटर वाला ही बूट स्पेस मिलेगा बाकी सेटअप देख लो क्रिएटिव वेरियंट का सेम सीट्स को मिल जाती है अगर आप उसकी बात करते हो सेफ्टी में थ्री पॉइंट सीट बेल्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट लाइट वगैरह यहाँ पे भी नहीं मिलेगी यहाँ पे कुछ इतना स्पेस मिल जाता है बाकी अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है बाकी लग आसानी से जाता है लाइट वगैरह नहीं है वो चीज मैंने आपको बता दी एक किलो के जो है यूटिलिटी के हुक्स आपको मिल जाते हैं सेम यहाँ पे भी आपको दे रखा है उसके अलावा स्पेड टायर वगैरह की बात करते हो तो ये चीज देख लो यहाँ पे आपको जो है गुड ईयर का अपना जो है, ग्रिप वाला टायर मिलता है प्रोफाइल छोटी है सोलह वाली उसके अलावा तो कुछ फर्क है नहीं बाकी यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे देखो सेम ऑप्शन पे भी दे रखा है इस यहाँ पे, पे हुक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं सेम यहाँ पे भी कंसोल है बट ये थोड़ा सा निकल जाता है साइड में छोटी मोटी स्पेस है अंदर इतना फर्क नहीं लगेगा देखो यहाँ पे सेम चीज है टूल वगैरह है बाकी तो कर देते हैं देखो बंद बाहर से अगर आप बात करते हो तो सबसे मेन बड़ा फर्क तो चाबी का यहाँ पे दूसरी चीज अलॉय व्हील्स का इसमें एडवांटेज भी है तो थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है वो आप डिसाइड जरूर से कर लेना अब बात आ जाती है इंटीरियर की देखो सबसे पहले मैं आपको क्रिएटिव वेरियंट दिखाता हूँ इसका आप एक बार इंटीरियर देखो यहाँ पे आपको चारों पार विंडोज मिल जाती है डोर लीवर वगैरह आप देख लो ओ आरवीएम के सारे कंट्रोल्स हैं साथ में ऑटो फोल्ड का ऑप्शन दिया गया तो जो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपकी जो कंफ्यूजन है दूर कर देता हूँ सीट्स वगैरह देख लो सेम फैब्रिक अपोजिटी सीट आपको देखने मिलेंगी जो कि प्योर प्लस एस के भी अंदर आती हैं छह एयर बैग सेफ्टी के अंदर बेस वेरिएंट से आने वाले हैं ए बी एस सी ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा वो चीज आप याद रखना बाकी हाइटेड स्टेबुल सीट जरूर से मिल जाती है और स्टीयरिंग व्हील वगैरह की बात करते हो तो ऐसा कुछ क्रिएटिव वेरिएंट का स्टीयरिंग व्हील है सेम लोगोज़ वगैरह हैं एक बार मैं बटन को जरा प्रेस कर लेता हूं सो तो जी बात यहाँ पे थी सबसे पहले तो इल्यूमिनेटेड आप टाटा का लोगो देख सकते हो क्रूज कंट्रोल वगैरह और एमआईडी को कंट्रोल करने के ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं यहाँ पे लेदर ऐप स्टेरिंग व्हील दे रखा है वो चीज आपको नहीं मिलेगी जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आइडिया लग जाएगा बाकी यहाँ पे देख लो ऑटोमेटिक हेल्लाइट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है ना ही आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा पुष्प बटन यहाँ पे दे रखा है वहाँ पे जब आप देखोगे ना तब आपको आडिया लगेगा बाकी इसके एडजस्टमेंट की बात करोगे तो सिर्फ टिल्ट आता है और एक और एडवांटेज है अगर आप क्रिएटिव वेरिएंट की तरफ जाते हो सबसे पहले तो ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हो वो इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो है चार स्पीकर चार ट्यूटर का जो है म्यूजिक सिस्टम मिलेगा और अपने प्योर प्लस एक्सपेर के अंदर ट्यूटर नहीं आते हैं बाकी इसकी एक बार आप कैमरा क्वालिटी देख लो जरूर से ताकि आपको आइडिया लग जाए देखो जी क्वालिटी बाकी इसमें कई सारे ऑप्शन है जैसे अगर आप फुल व्यू में देखना चाहते हो वो देख सकते हो बाकी अगर आप थोड़ा सा जूम व्यू देखना चाहते हो प्लस पे क्लिक कर दो थोड़ा जूम आ जाएगा और यहाँ पे आप ब्राइटनेस वगैरह या आप वॉल्यूम को कम ज्यादा करना चाहते हो इसकी जो बीप आने वाली है सेंसर की उसका कर सकते हो बाकी अडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह जरूर से मिल जाती है मेरे को ऑन करना पड़ेगा ठीक है अब देखो ये इस तरीके से आप यहाँ पे जो है देख सकते हो तो ये ऑप्शन आपके पास है बाकी इसको न्यूट्रल कर देते हैं और उसके अलावा बात करते हो देखो अपना आप आईडिया आपको नहीं लगेगा बट यहाँ पे ऑटोमेटिक इसी आपको देखने को मिल जाता है बाकी चाबी वगैरह आपको दिखा दी चार्जिंग पोर्ट वगैरह वाली जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्वेल्वी का एक सॉकेट मिल जाता है और दूसरा आपको जो है थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो आई थिंक अब आपको दिख जाएगा एक जो आपको सी टाइप मिलता है फाइव वोल्ट थ्री एम्स का तो ये एडवांटेज है बाकी एक बार उसमें भी देख लेंगे सिक्स स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पेटेड टोटल तीन मोड्स मिल जाते हैं मैनुअल हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे भी है उसके अलावा अमरेस्ट वगैरह ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है यहाँ पे कोई भी बदलाव आपको नहीं मिलता है डैशबोर्ड पे ओवरऑल एक बार आप डिजाइन देख लो वेनिटी मिरर यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे लाइट वगैरह आपको मिल जाती है ईयर बैग ऑन है ऑफ है अपना को पैसेंजर वाला वो आप यहाँ पे देख सकते हो माइक वगैरह है यहाँ पे बात करते हो यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है मेनोल्ड आई आर वी एम यहाँ पे दे रखा है इसको यहीं पे कर लेते हैं और देखो सनरूफ मिसिंग है तो ये चीज आप याद रख ले और एक और चीज बहुत छोटी जो रह जाती है वो है ये यह। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है कोटुक यहाँ पे दे रखा है बाकी फ्रंट से एक बार आप याद रखना कि हाँ भैया क्या क्या मैंने आपको बताया था अब बिना देरी करें इसको तो कर देते हैं बंद और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने प्योर प्लस एस वेरेंट के अंदर तब आप देखना कि हाँ भैया क्या कुछ है इसके अंदर देखो आ जाओ अनलॉक कर लेते हैं और ये देखो डोर ट्रिम वगैरह बिल्कुल आपको सेम लगेगी कोई अंतर नहीं लगेगा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो अपने ओ आर वी से एक बार इसको ऑन कर लेते हैं देखो फोल्ड करने का ऑप्शन दिया गया है तो ये भी सही चीज है बाकी दोबारा प्रेस करोगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे डोर लीवर वगैरह देख सकते हो ट्यूटर्स यहाँ पे नहीं आने वाले हैं उसके अलावा इसको कर देते बंद नहीं तो टक 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 करता ही रहेगा बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आपको अंतर बताना हो सेम सीट्स वगैरह हैं एक बार आप देख लो यहाँ पे फैब्रिक सीट्स का ही ऑप्शन मिलता है हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है अपने ड्राइवर साइड में और इंजन को स्टार्ट करें देखो इसका ऐसा कुछ सारा सेटअप है यहाँ पे इन्फोटेनमेंट देख लो एम वगैरह कुछ इस तरीके की यहाँ पे मिल जाती है इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में मैंने बात करी है वैसे आप देख सकते हो ऐसा कुछ सेटअप है यहाँ पे पूरा डिजिटल सेटअप मिलता है बस बीच की डिस्प्ले की बात करते हो तो सिक्स इंचीज वाली मिलती है यहाँ पे टेकोमीटर है यहाँ पे कूलन टेम्परेचर गाड़ी में पेट्रोल कितना है बाकी स्पीड वगैरह टॉगल करना चाहते हो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपको एवरेज रेंज वगैरह ये बेसिकसी दो तीन चीजें मिल जाती है साथ में टीपीएमएस मिलेगा बट प्रॉपर प्रेशर वगैरह नहीं बताने वाला है तो ये चीज आप रख लेना लो होगा तो बताएगा या हाई होगा तो बताएगा बाकी आप रीसेट कर सकते हो ओके वाले बटन को दबा के देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ चीज बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह जरूर से आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड में कर लेते हैं लेदर एप पे देख लो नहीं मिलता है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है ऑटोमेटिक हाईलाइट का कंट्रोल यहाँ पे दे रखा है अगर आपको देखना है तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी यहाँ पे देखो यहाँ पे अजीब सा होल वगैरह मिलता है वही नेक्सोन वगैरह में मैंने आपको दिखाया था क्योंकि यहाँ पे फिजिकल की का ऑप्शन है बाकी यहाँ पे देखो कंसोल वगैरह बिल्कुल सेम है बट यहाँ पे मैनुअल एसी आएगा जैसे ये आप देख पा रहे हो अगर आप इसे इस तरीके से करोगे तो ऐसे डाउन कर सकते हो और नीचे प्रेस करोगे ऊपर कर सकते हो सेम अपना स्पीड का है ये आप चेंज कर सकते हो एनफोटेनमेंट सेवन इंचज वाला आएगा एप्पल कार पर एंड्रोडो तो इसमें भी मिल जाता है और रही बात कैमरे की इसका कैमरा आप देख लो इसमें भी अडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह आपको मिलती हैं बट इसमें जो सेंसर वाली चीज़ है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा वो सिर्फ बीप वगैरह आएगी वहां पे प्रॉपर सेंसर वगैरह भी दिखाता है बाकी डैशबोर्ड वगैरह इसका भी बिल्कुल सेम है कोई फर्क नहीं है सेम चार्जिंग पोर्ट है ट्वेल का एक सॉकेट मिल जाता है थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा बाकी ए टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है सी टाइप आपको यहाँ पे दे रखा है ट्वेल्ल का सॉकेट देख ही लिया होगा आपने बाकी सेम आपको कंसोल वगैरह मिल जाता है जैसे अपने स्पोर्ट मोड वगैरह में चेंज करना चाहते हो ये हैंड ब्रेक वगैरह सेम हैंड ब्रेक वगैरह है यहाँ पे देखो एडजस्टेबल जो अपनी सीट बेल्ट है वो नहीं मिलती है यहाँ पे वारंटी मिरर पे आपको आई आर आईआरवीएम सेंसर वगैरह एल लाइट है सनरूफ का कंट्रोल आप देख सकते हो ये देखो ऐसी कुछ सनरूफ है बाकी पूरी खोलना चाहते हो पूरा भी आप खोल सकते हो और आप एक बार लुक देख लेना कि कितना पीछे तक ये जो चला जाता है ये देखो ऐसा कुछ सारा सेटअप है बाकी कर देते हैं बंद उसके अलावा तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं नहीं जो मुझे आपको बतानी हो छः बैग ए बी एस ई और ट्रक्सिंग कंट्रोल इसमें भी नहीं आएगा बट स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह जो ई वगैरह है वो दोनों के अंदर आपको मिल जाता है बाकी इसको कर देते हैं बंद ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे आपको स्पेशल बताना हो अंदर से फ़र्क इतना है कि स्टेयरिंग व्हील इन्फोटेनमेंट और दोनों के अंदर सन का फर्क है जबकि वो वे वेरियंट क्रिएटिव वाला महंगा भी है इससे बट फिर भी बाकी अगर आप रियर की बात करते हो इसकी एक बार दिखा देता हूँ देखो ऐसा कुछ सेटअप है यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे आपको स्पेशल बताना हो बाकी देख लो लीवर वगैरह पारुंडो का स्विच वगैरह मिल जाता है सेंटर में अगर आप बात करते हो वगैरह चार्जिंग पोर्ट वगैरह और एक बार लुक वगैरह देख लो बाकी अगर आप इसकी बात करते हो तो एक बार मैं आपको जरूर से दिखा देता हूँ सो इसका भी पूरा सेटअप देख लो सेम सेटअप है सेम एडजस्टेबल हेडरेस्ट पर सन्डू वगैरह आपको मिस ही लगेगी सेंटर कंसोल देख लो यहाँ पे भी सेम सारी चीज आपको मिल जाती है बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे आपको बताना हो तो ये कुछ सारी चीजें आप बिना देरी करें एक बार बोनट अनलॉक कर लेता हूँ बोनट और दिखा देता हूँ देखो यहाँ पे दे रखा है इसका लीवर और एक बार उठा लेते हैं वैसे तो दिखाना नहीं चाहिए था बट फिर भी एक बार लगे हाथ दिखाई देते हैं सो बोनट में देखो वेट वगैरह है सो so, जी ऐसा कुछ जो है सेटअप आपको इंजन बे का मिलने वाला है देखो सेम दोनों के अंदर इंजन मिलता है सेम एवरेज है बता देता हूँ 1.2 लीटर का इनलाइन थ्री सिलेंडर रेवोट्रॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 118 सौ की और टॉर्क की बात करते हो एक सौ सत्तर का जो है दोनों के अंदर टॉर्क मिलता है सेम एवरेज है चौदह का कंपनी क्लेम कर रही है इसके फोर्टी लीटर के पेट्रोल टैंक से स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है एक लाख किलोमीटर और तीन साल की टाटा का लोगो है बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ सारा सेटअप है कूलेंट वॉशर वगैरह फिल करने का और इसका भी देख लो सेम सारा सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है बाकी बोनट को कर देते हैं बंद सो बाकी तो डिटेल्ड कंपैरिजन था इसके बारे में जो अंतर था पचास हजार रुपए के अंतर मैंने आपको बता दिया बाहर से क्या कुछ है अंदर से क्या कुछ है बाकी अब आप बताओ आप क्रिएटिव लोगे या प्योर प्लस एस वेरिएंट लेना पसंद करोगे तो कर देते हैं आज की वीडियो के एंड आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से जो है प्रेस कर सकते हो सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच